हेलो स्टूडेंट्स, शिवशंकर बायोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग का नीट और बीसीसी चल रहा था 2023 के लिए, लेकिन आप लोग का कुछ दिन से क्लास का कोई वीडियो नहीं जा रहा था। इसका रीजन था, कारण था कि 12th वाला का जो है अभी चल रहा है, 1 फरवरी से एग्जाम होगा, तो उसी में थोड़ा सा बिजी उन लोग को तैयारी करवाने में, ठीक है, क्योंकि अभी उनका एग्जाम एकदम नजदीक है 1 फरवरी से। तो कोई बात नहीं, फिर उन लोग भी आएंगे मेडिकल की तैयारी करने के लिए। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा में हम लोग पढ़े थे कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं वो आपका नमी क्षेत्र में पाए जाते हैं, झील में पाए जाते हैं, जहाँ पे पानी का अंश होता है उस जगह पे पाए जाते हैं, पेड़ की छालों पर पाए जाते हैं, नमी दीवारों पर पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं तो देखिये, ब्रायोफाइटा जो होता है इसको दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया है। एक होता है लिवर बड्स, पहला जो बांटा गया है वह बांटा गया है लिवर बड्स में। पहला जो बांटा गया कहाँ बांटा गया बाबू? लिवर बड्स। तो अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे दूसरा जो बांटा गया है वो मॉस में। कैसे बांटा गया है? मॉस। तो याद रखिएगा बाबू कि ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, एक लिवर बड्स। क्या बांटा गया बाबू? ब्रायोफाइटा को दो भागों में बांटा गया है, एक लिवर बड्स में बांटा गया है और दूसरा बांटा गया है मॉस में। अब यहाँ पे समझिए बढ़िया से, पहले हम लोग बात कर लेते हैं लिवर बड्स के बारे में। किसी के बारे में बात करेंगे? हम लोग पहले बात करेंगे लिवर बड्स के बारे में। तो देखिए, ब्रायोफाइटा में बताए थे कि ब्रायोफाइटा में जितने भी पादप आते हैं, इस पृथ्वी पर जितने भी पादप हैं ब्रायोफाइटा में, वो सब नमी स्थान पे पाए जाएंगे। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बाबू पादप? जैसे ब्रायोफाइटा में हम लोग देखे थे कि ब्रायोफाइटा के जो भी सदस्य है वो पाया जाता है छायादार स्थान पे। कहाँ पे पाया जाता बाबू? छायादार स्थान पर पाया जाता है, जहां पर छाया होता है उसी स्थान पर पाया जाता है ब्रायोफाइटा, यानी शैवाल जो छोटे छोटे होते पाए जाते हैं। नमी स्थान पर कहाँ पाए जाएंगे बाबू? नमी स्थान पर पाया जाता है ब्रायोफाइटा के सदस्य। और इसके अलावा झील के किनारे कहाँ पाया जाता है? झील के किनारे भी बोल सकते हैं, झील में भी बोल सकते हैं, यानी झरना के किनारे भी बोल सकते हैं, ये पाया जाता है। तो लिवर बड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो लिवर बड्स के जो पौधा, जितने भी पौधा होते हैं उस सब के सब भी छायादार स्थान, नमी स्थान और झील के किनारे पाए जाते। कहाँ कहाँ पाए जाते? छाया जहां पे रहेगा, जहां पे नमी रहेगा, पानी का अंश रहेगा, यहां तक कि पेड़ की छाल पर भी उग जाती है। पेड़ की छाल पर भी जो है उग जाता है। कहाँ उग जाता है बाबू? पेड़ की छाल पर भी उग जाता है। सुनो यहाँ पे, अब लिवर बड्स में जितने भी पादप आते हैं वो सब इस जगह पे पाए जाते हैं, छायादार स्थान, नमी स्थान, झील के किनारे, पेड़ की छालों पर पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी के सभी पौधे जो होते हैं ना, अगर इस सभी पौधे की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस सभी पौधे का जो शरीर होता है, पादप का जो शरीर होता है, थाइलस होता है। कैसा होता है बाबू? थाइलस। अब यहाँ पे थाइलस का मतलब हो गया कि जिसको जड़ तना, जिस पौधे के पत्ती को जड़, तना और पत्ती, ये तीन गो में जो है आप विभाजित नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते? विभाजित नहीं कर सकते, यानी जो है जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी, यानी देखिए ब्रायोफाइटा में जितने भी आते हैं ना पेड़ पौधे, जितने भी सदस्य, उस सब को आप जड़ और तना और पत्ती ये अलग अलग देख नहीं पाइएगा, पता नहीं चलेगा कि जड़ करना है पत्ती करना है। तो वैसे पादप को बोलते हैं थैलस। तो लिवर बड्स में जितने भी पादप आते हैं उस सभी के सभी क्या होते हैं? थैलस होते हैं, यानी उसका जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते, उसे पता ही नहीं चलेगा कि इधर जड़ है, कि इधर तना है और किधर पत्ती है। समझ में आई बात? लेकिन ये थाइलस की अगर हम बात कर रहे हैं, सुन लो बढ़िया से, ये थाइलस पादप होते हैं। अब जैसे में थाइलस पादप कौन कौन आया जाएगा इसमें, अगर लिवर बड्स की बात करें तो लिवर की बड्स में अगर देखा जाए तो जैसे हम बात कर लेते एग्जाम्पल का, तो एग्जाम्पल हो जाता है रिक्सिया। क्या हो जाता है बाबू? रिक्सिया हो जाता है। चलिए, रिक्सिया हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर बात कर ले तो जैसे मार्केशिया, क्या हो गया बाबू? मार्केशिया। ये सब एक पादप है, शैवाल है छोटा सा, जिसमें जड़, तना, पत्ती जो है अलग अलग विभाजित आप नहीं कर सकते हैं, यानी रिक्सिया और मार्केशिया जो होता है लिवर बड्स के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए, अगर हम रिक्सिया और मार्केशिया की बात कर ले तो इसमें पादप जो थैलस होता है, अगर थैलस में बात कर ले जनन की, कि इन लोग जनन कैसे करेगा, तो जनन की अगर हम लोग देखें, जनन की अगर बात किया जाए इसमें, तो थाइलस पादप जितने भी होंगे, थाइलस पादप जितने भी होंगे उस सब में जनन जो होता है अलैंगिक के द्वारा और विखंडन के द्वारा होगा।
किसके द्वारा होगा जनरल बाबू? विखंडन के द्वारा होगा। अब ये विखंडन के द्वारा होगा तो विखंडन किस में होता है, कौन से जनन में होता है? तो विखंडन की जो प्रक्रिया होती है वह होता है अलैंगिक जनन में। किस में होता है बाबू? अलैंगिक जनन में होता, अलैंगिक जनन में होता है। अब यहाँ पे समझिए, तो लिवर बर्ड्स में जितने भी पादप आते हैं उनका शरीर क्या होता है? थैलस होता है, और उनमें जनन की जो क्रिया होता है इसी थैलस के विखंडन द्वारा, किसके द्वारा होता है? इसी थैलस के, इसका शरीर जो है विखंडित होता है, थैलस जो है विखंडित होता है और विखंडित होकर के नए पादप का निर्माण करता है। यानी कह सकते हैं ये जो खंडन के द्वारा जनन का निर्माण करता है, नए पौधा का जनन करता है, तब यह कौन सा जनन करेगा? अलैंगिक करता है। क्या करता है? अलैंगिक। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हम कर लेते हैं, मार्केशिया का। किसका बात कर लेते हैं बाबू? मार्केशिया का। अगर हम मार्केशिया की बात करें तो मार्केशिया जो पादप है इसको अगर देखा जाए तो इस मार्केशिया पादप में जो है अलैंगिक जनन होता है। इसमें भी क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक कैसे होगा बताते हैं। इसमें भी जो होता है अलैंगिक जनन होता है। अब अलैंगिक जनन जब मार्केशिया में होता है तो इसके लिए क्या होता है? इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। क्या होता है बाबू? एक विशेष संरचना होती है। विशेष प्रकार के अलैंगिक के लिए क्या होता है? एक विशेष प्रकार की संरचना होता है। अब ये विशेष प्रकार की संरचना जो होता है इसको, विशेष प्रकार की संरचना को हम लोग बोलते हैं जेमी। क्या बोलते हैं? जेमी बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलते हैं बाबू? जेमी कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जेमी। चलिए, तो मार्केशिया में अलैंगिक जनन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम लोग जेमी बोलते हैं। और ये जेमी जो होता है ये हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है और बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है बाबू? बहुकोशिकीय होता है। अब यहाँ पे देखिए, कहीं कहीं किताब में लिखेगा कि जेमी हरा जो होता है बहुकोशिकीय होता है और अलैंगिक कली होता है। क्या होता है? जेमी जो हरा होता है क्या होता है बाबू? यह अलैंगिक कली होता है। आप यहाँ पे समझिए, क्या होता है? अलैंगिक कली होता है। अब यही अलैंगिक कली जो होता है मार्केशिया के शरीर से बाहर निकलता है, और जब कली विकसित होने लगता है तो यह कली विकसित होकर के जो मादा मार्केशिया है उस मादा मार्केशिया के शरीर से अलग हो जाता है और एक नया पादप, एक नया मार्केशिया का निर्माण करता है। ठीक है, अगर हम लैंगिक जनन की इसमें बात करें, लिवर बर्ड्स अभी नहीं चल रहा बाबू, कौन चल रहा है? लिवर बर्ड्स चल रहा है। तो अगर हम इसमें लैंगिक की बात करें तो लैंगिक जनन इसमें कैसे करेगा, तो सुन लो, लैंगिक जनन की अगर हम बात कर रहे हैं लिवर बर्ड्स में, तो लैंगिक जनन की जो क्रिया करता है तो इसमें नर और मादा जो है ये दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि पादप क्या है? थैलस है। इसमें जड़ तना पत्ती स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन नर और मादा जो है ये दोनों कभी कभी एक ही पादप पर, एक ही थैलस पर होता है। लेकिन कभी कभी जो होता है अलग नर का होता है और मादा का अलग हो जाता है पादप। तो सुनिए, ये जो नर होता है और मादा, तो नर के रूप में इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है पुमनु। इसमें नर के रूप में पाया जाता है पुमनु, और इसमें मादा के रूप में पाया जाता है स्त्रीधानी। ठीक है, लेकिन पुमनों की जगह कहीं कहीं लिखेगा कि नर के रूप में जो पाया जाता है इसमें, इसमें पाया जाता है पुधानी। क्या पाया जाता है बाबू? नर के रूप में पुधानी और मादा के रूप में स्त्रीधानी पाया जाता है। इसको बोलते आर्चिगोनियम, इसको बोलते एंथेरिडियम। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए बढ़िया से, देखो अब ये स्त्रीधानी जो है और यहाँ पे पुधानी, नर हो गया पुधानी, अब ये दोनों आपस में मिलता है, निषेचन की क्रिया करता है, तब बीजाणु बनाता है। क्या बनाता है? बीजाणु स्पोरोफाइट बनाता है, बीजाणु भीत बनाता है। अब यहाँ पे समझिए, ये बीजाणु जो भीत बना स्पोरोफाइट, क्या बना बाबू? स्पोरोफाइट बना। अब ये स्पोरोफाइट जो बनता है, ये स्पोरोफाइट जो होता है फूट, यानी कह सकते हैं तीन भाग में बटा होता है, एक फूट सीटा और कैप्सूल। फूट सीटा और कैप्सूल में क्या होता है? ये बटा होता है। इसका जो शरीर होता है बीजाणु भीत जब बनता है, सुनो, यानी पुधानी और स्त्रीधानी जब आपस में मिलता है तो यहाँ पे बीजाणु भीत बनाता है, और ये बीजाणु भीत जो होता है फूट सीटा और कैप्सूल में जो होता है बटा होता है। किसमें बटा होता है? फूट सीटा और कैप्सूल में बटा होता है। और जैसे ही बीजाणु भीत में अगर बात करें तो जैसे ही बीजाणु भीत में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। तो देखो यहाँ पे यह भी कह सकता है कि बीजाणु भीत में अर्धसूत्री विभाजन होता है, या कह सकता है बीजाणु भीत ये बनता है, यही होता है मातृ कोष का।
जिसको बोल सकते हैं एसएमसी, क्या बोल सकते हैं एसएमसी, यानी स्पोरोफाइट मदर सेल, बीजाणुभेद मातृ मातृकोशिका एसएमसी। तो जैसे एसएमसी में क्या होता है, बीजाणुभेद मातृकोशिका में कोशिका, यहां पर लिख देते हैं कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होकर के इसमें स्पोरोफाइट बनता है, बीजाणु बनता है, और यही बीजाणु जब अंकुरित होता है, क्या होता है बाबू, अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के एक नया थैलस पादप का निर्माण करता है। फिर से इसको रिविजन करवा देते हैं, समझिए। लीवर बर्ड जो होता है छायादार स्थान पे पाया जाता है, नमी स्थान पे पाया जाता है, झील के किनारे और पेड़ की छालों पर भी पाया जाता है। ये सभी जो लीवर बर्ड्स के अंतर्गत पादप आते हैं, ये सभी पादप जो होते हैं इनका शरीर जो होता है थैलस होता है। थैलस का मतलब हो गया कि शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता है। शरीर क्या नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। इसका शरीर जो है जड़, तना, पत्ती जो है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें, लिवर बर्ड्स में आता है रिक्सिया और मार्केशिया, दो पादप आते हैं। छोटा सा पादप से बात देखिए, अब ये थैलस जो होता है इसमें जनन की क्रिया की बात करें तो इसमें जनन जो होता है अलैंगिक होता है, और अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। विखंडन यानी थैलस के द्वारा विखंडित होकर के ये थैलस दो भागों में बट करके एक नया जीव का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम बात कर ले मार्केशिया का, सिर्फ मार्केशिया की बात करें तो मार्केशिया में जनन के लिए इसमें भी अलैंगिक जनन होता है, लेकिन जनन के लिए इसमें एक अलैंगिक जनन होता है, और जनन के लिए एक विशेष प्रकार की संरचना होती है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार की संरचना होता है, और उस संरचना को बोलते हैं जेमी। क्या बोलते हैं, जेमी। और जेमी जो होता है हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कली होता है। क्या होता है, जेमी हरा बहुकोशिकीय अलैंगिक कली होता है, और यही कली जो होता है मार्केशिया के शरीर से निकलता है, और जैसे कली विकसित होता है तो मादा मार्केशिया के शरीर से अलग हो जाता है और नया एक पादप का निर्माण करता है। मान लो कि मार्केशिया है और ये मादा मार्केशिया हो गया, इसके शरीर से कली निकला, और कली जैसे ही विकसित होता है ये वाला कली, तो विकसित होकर इसके मादा के शरीर से ये अलग हो जाता है और नया एक मार्केशिया का निर्माण, मार्केशिया पौधा का निर्माण करता है। इसमें लैंगिक जनन की अगर देखा जाए तो लैंगिक जनन के लिए नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। नर के रूप में एंथेरिडम जिसको पुदानी, और मादा के रूप में आर्चिगोनियम जिसको स्त्रीधानी कहते हैं। जैसे पुधानी और स्त्रीधानी जब दोनों आपस में मिलते हैं तो बीजाणुभेद मातृकोशिका का निर्माण करते हैं, और बीजाणुभेद मातृकोशिका में जैसे अर्धसूत्री बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, और यही अंकुरित होता है, विकसित होता है, और विकसित करके एक नया थैलस पादप का निर्माण कर देता है। ये बीजाणुभेद मातृकोशिका को स्पोरोफाइट मदर सेल एसएमसी भी कह सकते हैं। समझ में आई बात। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग मॉशस का, किसके बारे में बात करते हैं, मॉश के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए इसको हम मिटाते हैं। अब यहाँ पे मॉश के बारे में समझ लीजिए कि मॉश जो होता है क्या होता है, एकदम बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, एक एक बात को अच्छे से समझिएगा कि मॉश जो होता है क्या होता है। इसको आप चाहे तो वीडियो रोक करके बाद में क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए अब यहाँ पे मॉश को समझिए, अच्छे तरीके से समझना है कि मॉश क्या होता है। देखिए समझिए, यहां पे देखिए मॉस क्या होता है। हाँ, लगभग प्रतिदिन 8-9 बजे जो है आप लोग का टेस्ट आप लोग का क्लास होगा। चलिए मॉस की अगर हम बात कर ले तो देखिए मॉस की अगर जीवन चक्र की हम लोग बात करते हैं तो मॉस का जो जीवन चक्र होता है ये दो भाग में बटा होता है, ठीक है। एक होता है प्रथम जीवन चक्र और द्वितीय जीवन चक्र। अगर इसको क्या होता है, दो भाग में, एक होता है प्रथम, ये हो गया आपका मॉस का प्रथम जीवन चक्र, प्रथम जीवन चक्र। अब ये प्रथम जीवन चक्र में क्या होता है, द्वितीय में क्या होता है, समझिए। और ये हो गया द्वितीय का जीवन चक्र, दूसरा का जीवन चक्र, द्वितीय के जीवन चक्र हो गया। अब यहां पे समझिए बढ़िया से, द्वितीय के जीवन चक्र हो गया। अब यहां पे समझिए कि प्रथम जीवन चक्र और द्वितीय के जीवन चक्र क्या होता है। देखिए प्रथम जीवन चक्र की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो, और द्वितीय जीवन चक्र की, तो प्रथम जीवन चक्र में मुख्य पौधा जो मॉस में आता है, मुख्य पौधा को समझ लीजिए कि मुख्य पौधा जो होता है, मेन पौधा जो होता है वो मुख्य पौधा होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है बाबू, मुख्य पौधा होता है गैमेटोफाइट। क्या होता है बाबू, गैमेटोफाइट होता है। चलिए अब ये गैमेटोफाइट जो होता है
इसको समझिए बढ़िया से, गैमिटोफाइट जो होता है इसमें बीजाणु अंकुरित होता है। क्या होता है? बीजाणु। या जब बीजाणु अंकुरित होता है तो बीजाणु अंकुरित होने के बाद जो है अंकुरित होता है और अंकुरित होकर के नया पौधा का निर्माण करता है। क्या बनाता है? नया पौधा बनाता है। चलिए देखिए यहाँ पे बढ़िया से, नया पौधा ये बनाया ठीक, अंकुरित होकर के बीजाणु। देखिए यहाँ पे समझिए कि जैसे बीजाणु अंकुरित होता है तो अंकुरित होने के बाद जो है इसमें सर्वप्रथम जो है प्रोटोनीमा बनाता है। क्या बनाता है बाबू? बढ़िया समझिएगा, प्रोटोनीमा बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाता है। अब ये प्रोटोनीमा की अगर बात करें तो प्रोटोनीमा जो होता है यह बहुकोशिकीय होता है। कैसा होता है बाबू? यह बहुकोशिकीय होता है। क्या बनाता है? बहुकोशिकीय होता है। और इसकी संरचना की अगर बात करें तो इसकी संरचना जो होता है देखने में एकदम शैवाल के जैसा होगा। कैसा होता है? शैवाल के जैसा होता है। लेकिन समझिए देखने में कैसा होता है? शैवाल के जैसा होता है। अगर हम प्रोटोनीमा की बात कर रहे हैं, देखिए इसको पहले मिटा देते बाद में द्वितीय जीवन चक्र। प्रोटोनीमा की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटोनीमा। अगर हम लोग प्रोटोनीमा की बात कर रहे हैं तो प्रोटोनीमा जो होता है दो भाग में बंटा होता है। कितने भाग में बंटा होता है बाबू? दो भाग में बंटा होता है। पहला जो प्रोटोनीमा की अगर बात करें तो ये होता है बाबू आपको राइजोनीमा। क्या होता है? राइजोनीमा। ये पहला जो होता है प्रोटोनीमा इसको बोलते हैं राइजोनीमा। और दूसरा जो प्रोटोनीमा होता है इसको बोलते हैं क्लोरोनीमा। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोनीमा कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि राइजोनीमा और क्लोरोनीमा क्या होता है, एकदम बढ़िया समझना है। देखिए राइजोनीमा जो होता है यह जो होता है राइजॉइड युक्त होता है। क्या होता है बाबू? राइजॉइड युक्त होता है, जाइड राइजॉइड युक्त होता है। और राइजॉइड युक्त होने की वजह से क्या होता है कि राइजोनीमा जो होता है रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन होता है। लेकिन क्लोरोनीमा की अगर बात करें तो क्लोरोनीमा जो होता है हरित लवक युक्त होता है। क्या होता है? हरित लवक युक्त होता है। क्या होता है बाबू? हरित लवक युक्त होता है। और इसकी अगर बात करें क्लोरोनीमा में तो यह रंगीन होता है, हरा होगा ना बाबू, रंगीन होगा तो क्या होगा? हरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें हरित लवक युक्त होगा है। और हरित लवक होगा जिसमें भी हरित लवक होगा तो वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा, फोटोसिंथेसिस की क्रिया, जिसमें हरित लवक पाया जाएगा। यह काम कौन सा करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। अब अगर हम इसको देखो फिर से समझ लो कि मॉस जो होता है, मॉस का जो जीवन काल अगर बात कर रहे हैं तो मॉस का जो जीवन काल होता है बाबू वो क्या होता है? दो भाग, दो प्रकार से होता है, एक प्रथम जीवन काल एक द्वितीय जीवन काल। प्रथम जीवन काल में मुख्य पौधा क्या होता है आपका? गैमिटोफाइट होता है। और गैमिटोफाइट बीजाणु द्वारा अंकुरित होता है और अंकुरित होने के बाद क्या बनाता है? प्रोटोनीमा बनाता है। और प्रोटोनीमा बहुकोशिकीय होता है जो बिल्कुल शैवाल के जैसा नजर आता है, तब जाके नया पौधा का निर्माण करते हैं। अगर हम प्रोटोनीमा की बात करें तो प्रोटोनीमा दो भाग में बंटा होता है, एक राइजोनीमा दूसरे का क्लोरोनीमा। राइजोनीमा में राइजॉइड युक्त होता है जिसके कारण क्या होता है? रंगीन होता है। और क्लोरोनीमा में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है जिसके कारण रंगीन होता है। और इसी हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है। अगर हम इसकी बात कर ले मॉस के दूसरका जीवन चक्र के बारे में तो दूसरका जीवन चक्र क्या, इसमें भी जो होता है ना जनन की क्रिया जो होता है स्त्रीधारी या पुदानी द्वारा भी होता है, वर्धी प्रजनन भी होता है। देखिए समझिए यहाँ पे बढ़िया से, इधर समझो बढ़िया से। अगर हम बात कर ले इसके द्वितीय जीवन चक्र की, किसका हम बात कर रहे हैं? द्वितीय के जीवन चक्र, द्वितीय के जीवन चक्र, मॉस का द्वितीय के जीवन चक्र। तो द्वितीय के जीवन चक्र की अगर मॉस की बात कर ले जीवन चक्र के बारे में तो द्वितीय के जीवन चक्र में क्या होता है कि इसमें मुख्य पौधा जो होता है वो होता है पत्ती युक्त पौधा। क्या होता है? पत्ती युक्त पौधा। अब ये पत्ती युक्त जो पौधा होता है, इस पत्ती युक्त पौधा का जो निर्माण होता है बाबू वह निर्माण होता है द्वितीय प्रोटोनीमा से। किससे निर्माण होता है? द्वितीय के प्रोटोनीमा से निर्माण होता है, प्रोटोनीमा। यहाँ पे याद रखिएगा बाबू कि द्वितीय के जीवन चक्र जो होता है मॉस का वो होता है मुख्य रूप से पत्ती युक्त पौधा। और इस पत्ती युक्त पौधा का जो निर्माण होता है वो कहां से होता है? द्वितीय प्रोटोनीमा से। आप प्रोटोनीमा कहां बनता है? यहां बनता है जब बीजाणु अंकुरित होता है तब, तो द्वितीय प्रोटोनीमा से। इसमें पत्ती युक्त पौधा में अगर देखा जाए तो इसका जो शरीर होता है वो तीन भाग में विभाजित होता है। कितने भाग में विभाजित होता है? तीन भाग में। एक होता है मूलांग। क्या होता है पहला?
मूलांग होता है, दूसर का होता है तना तना, और तीसर का होता है आपका पत्ती। तीन भाग में क्या होता है, विभक्त होता है। मूलांग जिसको राइजोड बोलते हैं। हाँ देखिए, अब यहाँ पे मूलांग जो होता है, राइजोड की अगर बात करें तो ये जो मूलांग होता है, ये मूलांग क्या करता है कि अवशोषण का काम करता है। क्या करता है बाबू? अवशोषण का कार्य करता है। क्या करता है? अवशोषण के कार्य करता है। लेकिन अगर पत्ती की बात करें तो ये पत्ती जो है प्रकाश संश्लेषण के कार्य करता है। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण होता है और भोजन बनता है। तो इसका पत्तियुक्त पौधा में तीन भाग में बट्टा होता है, जबकि लिवर बर्ड्स में बट्टा था नहीं था, लेकिन पत्तियुक्त पौधा में जो है तीन भाग में बट्टा होता है। जैसे अगर बात कर ले तो फ्यूनेरिया क्या हो जाएगा? फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया जो क्या है तीन भाग में बट्टा होता है पत्ती पौधा में। तो देखा जाए तो होता है मूलांग, तना और पत्ती होता है। मूलांग से क्या होता है? अवशोषण का होता है, खनिज लवण का अवशोषण होता है, जबकि पत्ती से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर ये भोजन बनाता है। अगर इसमें हम जनन की बात कर ले, दोनों में अगर जनन की बात कर रहे तो जनन दोनों में जो होता है, देखिए यहाँ पे जनन की अगर देखा जाए तो जनन जो होता है वो वर्धी जनन होता है। क्या होता है? वर्धी जनन होता है। ये अवर्धी जनन जो होता है कह सकते हैं इसको, ये जनन जो होता है अलैंगिक होता है। क्या होता है? अलैंगिक होता है। अगर लैंगिक की बात करें तो लैंगिक में वही चीज होता है कि पुधानी नर होता है। पुधानी क्या होता है? नर। स्त्री धानी क्या होता है? स्त्री धानी मादा होता है। ये दोनों जब मिलता है आपस में तो गैमिटोफाइट बनाता है। क्या बनाता है यहाँ पे बाबू? गैमिटोफाइट बनाता है, ठीक है। लेकिन समझिए, जैसे पुधानु ई पुधानी होता है नर, यही क्या होता है? मादा। इसको लिख देते हैं नर। लैंगिक में ये चीज देखा जाता है, ये नर होता है, ये मादा होता है, और मिल करके युग्मनज बनाता है। क्या बनाता है बाबू? युग्मनज बनाता है, जिसको बोलते हैं जायगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायगोट बोलते हैं। और यही जायगोट जो है बनाता है स्पोरोफाइट विभाजित होकर के। क्या बनाता है? स्पोरो फाइट बनाता है। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट। यानी जब युग्मनज विभाजित होता है तो युग्मनज विभाजन होने के बाद क्या बना रहा है? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट जो होता है तीन भाग में बटा होता है। फिर वही चीज, फूट सीटा और कैप्सूल, फूट सीटा और कैप्सूल में क्या, जैसे लिवर बर्ड्स बटा होता है कैप्सूल में बटा होता है। अब ये फूट सीटा कैप्सूल में बटा होता है तो यही स्पोरोफाइट जो होता है विभाजन होकर के बीजाणु भिद बनाता है, और बीजाणु जो अंकुरित होकर के फिर जो है नया पादप का निर्माण करता है। तो यही था आपका ब्रायोफाइटा। थोड़ा सा पिछले क्लास में ब्रायोफाइटा भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। आप जो है कल फिर मिलते हैं 9 बजे ही सी क्लास आप लोग को होता है। आज जैसे 9 बजे से हुआ, कल भी 9 बजे से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के दिन 9 बजे से लाइव। और हमारे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।